एक और गजब का मैच और एक और गजब की वीडियो। जी हाँ, कल भी बिग बैश लीग का मैच काफ़ी अच्छा गया। एक हमने गलती करी, जो कि गलती टीम देने के बाद तुरंत मुझे रियलाइज़ हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, वो गलती आप टेलीग्राम पर देख लेना। बट आज भी जो मैच है बहुत ही अच्छा मैच है। दिक्कत एक प्लेयर से है, क्यों वो भी आपको समझाऊंगा। उस प्लेयर का ज्ञान देना भी बहुत ज़रूरी है, मगर आज दिक्कत नहीं आया तो कन्फर्म है वो कि वो प्लेयर परफॉर्म करेगा। चलो तो बात कर लेते हैं आज वाले मैच की। बता देता हूँ कि आज जो मैच होने वाला बिग बैश लीग का मैच नंबर 18, इसमें क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स विकेट लेने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स रन बनाने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स आपको अपनी टीम में रखने ज़रूरी हैं, किसको किसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो और कौन से प्लेयर को ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना ध्यान से। और हाँ, सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर करना। अब अच्छा लग रहा है, हम लोग जीत भी रहे हैं, तुम लोग थोड़ा प्यार भी दे रहे हो वीडियो पे, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, वरना अभी तक तो हम बस जीत भी नहीं रहे उतना, पहले 8-7 दिन पहले जीत भी नहीं रहे थे, अब जीत भी रहे, फ़र्क भी है। तो ऐसे ही प्यार देते रहो, लाइक और कॉमेंट करते रहो सब लोग एक एक। ठीक है, और हम भी अच्छी टीम देते रहेंगे, अच्छे प्रेडिक्शन, अच्छा ज्ञान देते रहेंगे, तुम लोग पैसे भी कमाते रहो। ठीक है, चलो तो हमारे कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर दिक्कत ये हो जाएगी, आप आने वाली वीडियोस मिस कर दोगे। तो फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो जिन लोगों ने भी नहीं किया अभी तक, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। बहुत जल्द मैं लाइव आना भी स्टार्ट कर दूंगा। तो हेटर साहब, इन लोगों ने लाइक और कमेंट कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तुम अब क्या कर रहे हो, नाक से उंगली निकालो और इंट्रो लगाओ, स्वागत करो हमारा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो, बढ़िया होगा, स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज जो होने वाला है मुकाबला मेलबर्न रेनेगेड्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स का। और भाई साहब, ये मैच होगा डॉकलैंड्स में। जी हाँ, डॉकलैंड में। तो कैसी ये पिच होगी, कौन से प्लेयर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, कौन से प्लेयर परफॉर्म करेंगे, कौन से प्लेयर फ्लॉप होंगे, पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। लेकिन ज्ञान देने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप अच्छी टीम दो, अच्छा ज्ञान दो, अच्छे प्रेडिक्शन दो, उसके बावजूद लोग आलस करें, लोग वीडियो ना देखें, लोग टेलीग्राम ना ज्वाइन करें। मतलब क्या करूं मैं, ताजमहल को तो मीनार क्या तुम्हारे नाम कराऊं, बताओ क्या तुम्हारे नाम कराऊं। खैर मेरा वो है नहीं, तुम्हारा नाम क्या कराऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल, ये जो चैनल आप स्क्रीन पर देख रही है, वो चैनल है जहां पर आपको फाइनल टीम मिलती है मेरी। टॉस के बाद मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलती है, जिस टीम से मैं लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सेम टीम आपको मैं फ्री में टेलीग्राम पर देता हूँ। बढ़िया गिवअवेज, बड़े बड़े ऑफर्स सब यहाँ पर आते हैं। और सिर्फ ये मतलब बिग बैश नहीं, और भी बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, सभी की टीम आपको मिलती है, कबड्डी की भी आपको टीम मिलती है, हर जगह क्लीन स्वीप कर रहे हैं। फ़ायदा उठाओ, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। और अगर लिंक ना भी काम करे तो टेलीग्राम पर @AnuragXCricket या फिर अनुराग द्विवेदी सर्च करना, ब्लू टिक लगा, वेरीफाइड चैनल, 14 लाख लोग जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कर लेना। बाकी गिव अवे की बात है तो हाँ, गिव अवे कल भी, कल खैर दो लोगों ने गिव अवे जीत लिया, अच्छा लगा। मैच कम ओवर का हो गया था, किस्मत से वो लोग जीत गए, मगर जीत के प्राइज जीत लिया। आज देखते हैं आज कौन जीतता है। एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे वीडियो में, उस सवाल का आपको जवाब देना कमेंट करके। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप जीत जाओगे। क्या जीतोगे, बोट कंपनी के ब्लूटूथ वाले प्रोडक्ट, कोई ब्लूटूथ स्पीकर, नेक बैंड, ईयरपॉड, ईयरबड, जो भी है, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। तो सवाल आपको मिल जाएगा वीडियो में कहीं भी, बस आपको सवाल का जवाब देना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो लाइक को सब्सक्राइब कर देना, उसमें आलस ना करना। ठीक है, चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं, टीम न्यूज़ से बात करते हैं पहले, टीम प्लेइंग इसकी टीम न्यूज़ की। तो दोनों टीम का लगभग सेम ही स्क्वाड है, बस एक दो चेंजेस हुए। एक चेंज ये हुआ कि मेलबर्न रेनेगेड्स में एरॉन फिंच आ गया है और एडिलेड स्ट्राइकर में थॉन्टन जो इनका बॉलर है वो आ गया है। ठीक है, स्क्वाड में ऐड हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो प्लेइंग 11 भी देख लेते, प्लेइंग 11 में कोई चेंज होगा तो प्लेइंग 11 अगर आप देखोगे यहाँ पर सही से, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो क्लार्क, क्विंटन डिकॉक, ये दोनों ओपन पक्का करेंगे। फिर फ्रेजर मैकगर्क हैं जो कि ठीक ठाक खेल रहे हैं, शॉन मास लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेले, फिर पांच में है निक मेडिसन, अब और एरॉन फिंच आ गया। अब फिंच को अगर आना चाहिए प्लेइंग 11 में, वो तो निक मेडिसन की जगह पर आना चाहिए, मगर निक मेडिसन तो कैप्टनसी कर रहा है तो किसकी जगह पर आएगा। देखने वाली बात ये होगी कि फ्रेंच खेलता है मैच या नहीं, थोड़ा मुश्किल है। अगर खेलेगा तो मेरे ख्याल से जोनाथन विल्स की जगह पर खेलेगा। फिर है विल सदरलैंड और टॉम रॉजर्स है, केन रिचर्डसन, एडम जंपा, मुजीबुर रहमान। अब अगर बात करें एडिलेड स्ट्राइकर की प्लेइंग 11 की, तो एडिलेड स्ट्राइकर में भाई साहब थॉन्टन को खेलना चाहिए, मगर डॉकलैंड की पिच सेकेंड इनिंग में थोड़ी स्लो हो जाती है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कैमरन बॉयस भी खेल सकते हैं,
तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज दूर करता हूँ। तो डार्सी शॉर्ट, मैथ्यू शॉर्ट ओपन करेंगे, उसके बाद क्रिस लीन है, जेक बेदलेट, एडम मोहस है, और जेमी वॉटन, जेम्स बेजले है, हैरी नीलसन है, डेविड पेन, थॉर्टन बॉयस में से कोई एक, फिर वैसा गर्ज, ये होगी प्लेइंग 11 स्ट्राइकर्स की। देखते हैं थॉर्टन खेलता है नहीं, टॉस के बाद पता चली जाएगा। अब बात करते हैं विजन 11 की, क्योंकि विजन 11 के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी, वो करना बहुत जरूरी है। हाँ तो भाइयों, विजन 11 पर जिन लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो, क्योंकि आज विजन 11 पर 50,000 रुपये का फ्री कॉन्टेस्ट आप लोगों के लिए लाइव है इस मैच में। दूसरी चीज़, विजन 11 पर आपको 1 करोड़ रुपए की मेगा लीग आपको आज आपको देखने को मिल रही है। तो जाओ विजन 11 पर 1 करोड़ की मेगा लीग खेलो। यहाँ पर क्यों खेलो, क्योंकि यहाँ पर मेगा लीग में 2-3 लाख टीम आती हैं, इजीली जीत जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ। और रही बात स्मॉल लीग की, स्मॉल लीग के लिए विजन 11 से बेस्ट कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि विजन 11 पर आपको कम कमीशन देना पड़ता है, कॉम्पिटिशन कम है, जीतना आसान है, एंट्री फीस कम है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस में नहीं रहोगे। तो देर ना करो, जाके विजन 11 का ऐप डाउनलोड करो, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, और मेरा रेफर कोड यूज़ करना अनुराग, ताकि 500 रुपये का आपको बोनस मिल जाए। ठीक है, चलो तो बात करते हैं पिच के बारे में। तो भाई पिच के बारे में बात करें तो भाई डॉकलैंड स्टेडियम में ये मैच है, और ये डॉकलैंड मेलबर्न में ही है, मेलबर्न रेनगेट्स का होम ग्राउंड है। ठीक है, अच्छी बैटिंग विकेट है, एवरेज स्कोर 160 का है, तो 170 के आसपास उम्मीद आप कर सकते हो स्कोर। पेसर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जो स्लोअर बॉल डालते हैं, जो डेथ बॉलिंग करते हैं, जिनके पास वेरिएशन है। ठीक है, वो और स्पिनर्स को विकेट मिलते हैं, मगर सेकंड इनिंग मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रेशर में भी प्लेयर विकेट देते हैं, और दूसरी बात थोड़ा पिच स्लो हो जाती है डॉकलैंड की। बाकी के पिछले 7 मैच यहाँ पर आप देखोगे बिग बैश लीग के, तो 54 विकेट लिए हैं पेसर्स ने, स्पिनर्स ने सिर्फ 17 विकेट लिए हैं, तो वो चीज़ है, आराम से 170 के आसपास स्कोर हम उम्मीद कर सकते हैं। और ये भी बोल रहा हूँ, डॉकलैंड का कुछ कहा भी नहीं जा सकता, हो सकता है 150 वाला मैच आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है कि डिफेंड भी हो जाए, ये भी चीज़ है। ठीक है, चलो हेड टू हेड में कुछ खास है नहीं, 11 मैच जीती है स्ट्राइकर्स और 7 मैच जीती है मेलबर्न रेनगेट्स। अब बात करते हैं फैंटेसी के टिप्स की, फैंटेसी की टिप सबसे बड़ी मैं आपको टिप देता हूँ आज एक, बहुत लोग हैं जो फैंटेसी में विन नहीं कर पाते हैं, जिनको एक प्लेयर की वजह से हार जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की वजह से हार जाते हैं, मिस कर रहे हैं चीज़, नहीं जीत पा रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मालूम है क्या है, प्रोबो। भाइयों फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक प्रोबो का ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ पर आपको 11 प्लेयर्स की टीम नहीं बनानी, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चुनना, यहाँ पर आपको इस मैच में चल रहे सवालों के हाँ या ना में जवाब देने हैं, बस। अगर आपके जवाब सही होते हैं, बार बार पैसा इन्वेस्ट करते हो, कमाते जाओ। और अच्छी बात यह है, आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, आप आज प्रोबो का ऐप डाउनलोड करो, आपको 50 से 100 रुपये का बोनस मिल जाएगा, पूरा बोनस आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आज के मैच में ये 3 सवाल हैं कि मेलबर्न रेनगेट्स ये मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, मैं कहूँगा कि हाँ जीतेगी, तो इसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा, हाँ कि जीतेगी, यस करूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद एक सवाल है, मेलबर्न रेनगेट्स 6 ओवर में 2 विकेट ले लेगी, 6 ओवर में 2 विकेट नहीं ले पाएगी, मैं इसमें नो करूँगा। एडिलेड स्ट्राइकर 3 ओवर में 25 बना लेगी, हाँ बना लेगी, तो मैं इसमें यस करूँगा। ठीक है, इस तरीके से आपको भी हाँ या ना में जवाब देना है, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि फुटबॉल, कबड्डी, पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, जिस भी फील्ड का आपको ज्ञान है, उस फील्ड का ज्ञान इस्तेमाल करो और पैसा कमाओ। तो जाओ जाके प्रोबो का ऐप डाउनलोड करो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जाओ जल्दी आओ। अब बात करते हैं फैंटेसी की टिप्स की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन भाई क्विंटन डिकॉक मस्ट पिक है। ठीक है, क्योंकि विकेट कीपिंग करेगा, ओपन भी करेगा, तो मस्ट पिक है। जो क्लार्क भी अच्छा विकेट कीपिंग तो नहीं करेगा, मगर किसी में अभी मैच में जिस दिन इसका दिन हुआ बड़ी पारी खेलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट पिक है। नीलसन उतना अच्छा पिक नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग कर रहा है। बाकी बैटर्स में बात करूँ तो क्रिस लिन अच्छा हिटर है, और बिग बैश लीग में थोड़ा कंसिस्टेंट रहता है, तो स्मॉल लीग के लिए आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। शॉन मार्स लास्ट मैच में अच्छे टच में था, तो आपके लिए अच्छी पिक होगा, उसको रख सकते हो, सेफ पिक है। फ्रेजर मैकगर्ट थोड़ा हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, तेज खेलता है, ट्राई करना चाहो तो कर लो, वैसे लास्ट मैच में परफॉर्म नहीं किया था, हो सकता है आज परफॉर्म कर जाए, और डॉकलैंड में एक मैच में परफॉर्म कर चुका है वो। ठीक है, बाकी एडम होस काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहा है, 5 विकेट, 4 बैटिंग करता तो मैं रखता, मगर 5 विकेट शायद मैं तो ना लूँ, लेकिन फिर भी अगर स्ट्राइकर पहले बैटिंग करे तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जेक बेदलेट आउट ऑफ फॉर्म है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। मैथ्यू शॉर्ट ओपन करेगा, पूरे ओवर बॉलिंग कर रहा है, वैसे भी सारा मेन बॉलर की ओवर काट देता है, खुद आ जाता है बॉलिंग करने, जब राइटी खेलने तब भी आ जाता है, आज तो फिर भी सामने 3-3 लेफ्टी हैं, तो कराया गई, तो मस्ट पिक होगा, कैप्टन का भी बढ़िया ऑप्शन है। बाकी विल सदरलैंड और जेमी वॉटन ऑलराउंडर वाला रोल प्ले कर रहे हैं, ये भी आपके लिए मस्ट पिक होंगे। डार्सी शॉट अच्छा बल्लेबाज है, बॉलिंग से उम्मीद मत करना कुछ भी, अगर एज ए बैटर आपको लेना आप ले सकते हो। निक मेडिसन आउट ऑफ फॉर्म है, और अब तो भाई 5 पे बैटिंग कर रहा है, तो अब तो उतनी अच्छी पिक है भी नहीं, वैसे भी इस चूतिए के चक्कर में बहुत मैच हार चुका हूँ मैं। बाकी बेजली की ओवर कन्फर्म नहीं रहेगी, फिर भी बैटिंग से या बॉलिंग से कहीं ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा, आपके लिए सेफ पिक है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉलर्स की। तो भाई एडम जंपा लास्ट मैच में बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा हुआ था, एक ही विकेट ले पाया था,
ये इस मैच में कम बैक करेगा, इसको जरूर रखना, चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे बाद में। केन रिचर्डसन पहले बॉलिंग करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थॉमस रॉजर्स को आप दोनों इनिंग में ले सकते हो क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। उसके बाद वेस्ट अगर डेविड पेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले बॉलिंग करते हुए, और थॉर्नटन तो आपके लिए ट्रंप होगा, चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे बाद में, आपके लिए ट्रंप प्लेयर होगा। बाकी कैमरन बॉयज, मुजीबुर रहमान को अगर आपको ट्राई करना है तो सेकंड इनिंग बॉलिंग करते हुए ट्राई कर लेना। इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो भाई सदरलैंड अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए, कैप्टन के लिए मैथ्यू शॉट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी क्विंटन डिकॉक भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो ये हो गया बात इसकी। अगर मैं अपनी थोड़ी प्रेडिक्शन दूँ तो भाई पहला प्रेडिक्शन मेरा ये है, केन रिचर्डसन और ये जंपा, ये दोनों प्लेयर पक्का विकेट लेने वाले हैं रनगेट्स के लिए। दूसरा प्रेडिक्शन ये, अगर थॉर्नटन खेलता है तो दो विकेट पक्का लेगा। बाकी इनके लिए स्ट्राइकर्स के लिए बॉलिंग से आज मैथ्यू शॉट फ्लॉप जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बैटिंग से भले ही चल जाए मगर बॉलिंग से फ्लॉप जाएगा। और वेस्ट अगर डेविड पेन पहले अगर बॉलिंग करेंगे दोनों मिलकर तीन विकेट लेंगे, कोई एक दो या एक कोई एक। बाकी कैमरन बॉयस और मुजीबुर रहमान में से सेकेंड इनिंग में जो भी मतलब जो भी बॉलिंग करेगा विकेट जरूर लेगा, चाहे खाली हाथ नहीं जाएगा, ये भी मेरा प्रेडिक्शन है। सदरलैंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो टीम में रखना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना। बेजली और ओवरटन में से कोई एक प्लेयर आपको 70 के ऊपर पॉइंट देगा, ठीक है। और निक बैंडिसन से कोई उम्मीद नहीं, शॉन मार्स भी मुझे इस मैच में उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन, चलो देखते हैं। बाकी क्विंटन डिकॉक का प्रेडिक्शन देता हूँ, मुझे लग रहा है 30 के ऊपर बनाएगा सामने एडम, हाँ मैथ्यू शॉट विकेट नहीं लेगा तो मतलब 30 तो बना ही लेगा, 30 रन कम से कम बना लेगा डिकॉक। तो ये मेरे प्रेडिक्शन हो गया। बात करते हैं मेरी फैंटेसी टीम क्या, तो ये मेरी फैंटेसी टीम है जो मेरे प्रेडिक्शन उसके अकॉर्डिंग आप मेरी टीम देख लो। फिलहाल की यही टीम है, मगर फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी ना टॉस के बाद, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, और वहाँ पर आपको फाइनल टीम मिलेगी। जिस टीम से मैं लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करूँगा सेम टीम आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा फ्री में। बाकी जो हमारा गिव अवे का क्वेश्चन है वो ये है कि आज की मैच में बॉलिंग से कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा। अरे डॉक क्वेश्चन चेंज करते हैं, मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, कितने पॉइंट देगा फैंटेसी में बताओ, कौन मैन ऑफ द मैच होगा और फैंटेसी में कितने पॉइंट देगा, ये आपको गेस करना है और कमेंट करके आंसर करना है, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है क्विंटन डिकॉक मैन ऑफ द मैच बनेगा तो लिखो क्यू डी कॉक, उसके आगे लिखो इतने पॉइंट देगा। अब एग्जैक्ट पॉइंट तो आप बता नहीं पाओगे, तो जिसके भी पॉइंट सबसे करीब मतलब सही पॉइंट्स के करीब होंगे उसको प्राइज मिल जाएगा, और तीन लोग को प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो करो कमेंट, बस याद रखना गिव अवे जीतने के लिए वीडियो पर लाइक और वीडियो को कमेंट करना, और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, उसमें आलस ना करना, ठीक है। मिलते हैं फिर टेलीग्राम पर, चलो और फाइनल टीम के साथ कल फिर मिलते हैं और नई वीडियो में। तो बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट।